face, but any of us. How are you, ma'am? Done with the network? White. Hello, kitchen. Kitchen. Okay, ma'am, congratulations. Kitchen? Where is kitchen? He said kitchen. Ma'am, congratulations, आपको आज अवार्ड मिलने जा रहा है इंटरनेशनल आइकन अवार्ड. Thank you. आप ऑलरेडी सबके लिए आइकन हैं. Am I? Yes. Thank you. तो कुछ बताना चाहिए मैम, इस तरह का अवार्ड मिलना कितना एक्साइटमेंट होता है? एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज़ कि 2020 ऐसे ख़त्म हो रहा है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि इट हैज़ बिन अ वेरी डिफरेंट हेयर फॉर एवरीबडी, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है 2020 में और इट्स गेटिंग ओवर लाइक दिस, इट्स इट फील्स नाइस. ओके, कितना मुश्किल भरा रहा आपके लिए कोविड पैंडेमिक, किस तरह से आप लोगों ने शूट भी किया? शूट तो बहुत अलग तरीके से हुआ है. हमने शुरुआत जब की कसौटी की, तब हमने कुछ अलग तरीके से शुरुआत की, क्योंकि जब मैं शूट करके हावड़ा ब्रिज पे, तो मैंने कान में एक वो वायरलेस हेडफोन पहना था और कहीं दूर से मेरे डायरेक्टर मुझे डायरेक्शंस दे रहे थे, और कोरोना के टाइम पे हम लोग जूम मीटिंग पे शूट कर रहे थे, जहाँ पे सब लोग लिटरली स्टूडियो में बैठे और मैं घर पे हूँ और मैं शूट करके उनको सब फुटेज दे रही थी. सो इट वॉज़ वेरी डिफरेंट. और कसौटी में लिटरली हमने सब कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर लिया और नो एक्सपीरियंस कर लिया. ओके, आउटफिट के बारे में जानना चाहिए, काफी बहुत ही सुंदर है ब्लैक. यू लाइक इट? आई लव ब्लैक, इसलिए मैंने ब्लैक ही चूज किया. ओके, सॉन्ग तो काफी धमाल मचा दिया आपका, आपको पसंद आया? अरे पसंद आया, हर्षद सर के साथ आपने काम किया जी, काफी अनोखा सॉन्ग था. कुछ बताना चाहिए, कब शूट किया आपने ये? हमने शूट किया था शायद अक्टूबर या नवंबर में, मुझे याद नहीं, फैंस को पूछना, उनको उनके पास सारे डिटेल्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन सारे डेट्स टाइमिंग सब होते हैं. काफी मिलियंस ऑफ व्यूज ज्यादा गए जी. एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज कि बिना प्रमोशन किए वी हैव टच्ड दैट माइलस्टोन, सो इट्स रियली नाइस. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज गुड, इट वाज वेरी चिल्ड. हर्षद इज लाइक अ बडी, तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम शूट करते हैं, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे शूट के टाइम पे. एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? नहीं बता रही. थोड़ा सा बता रही है? थोड़ा सा आई थिंक ऑलरेडी रिवील हो चुका है अंदर, बट जब होगा कुछ तो मैं खुद ही बता दूंगी. एक सेकंड, फोटो तो लेने दो मुझे. बाइट्स नहीं हो रहा यहाँ पे मैम के लिए कुछ. तो वहाँ पर है ना लुसम. गाइस प्लीज थैंक यू सो मच, थैंक यू. I'm tired. I'm sure, yeah, you guys also work just as hard. Yeah. Congratulations, ma'am.
काफी धमाकेदार दृष्टि अवार्ड में भी आपने ओ यार और इंटरनेशनल आइकन अवार्ड में भी आप धमाकेदार कर रही है और क्या कहना चाहिए अवार्ड में थोड़ा दिखाइए अवार्ड इंटरनेशनल आइकन है भारत की आइकन और अच्छा लग रहा है So yeah, next would be the global icon. I hope I can receive that too someday. Someday, we should never stop being hopeful. हाँ तो व्हाट आई थिंक दिस ईयर हैज बीन वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज आई वाज एक्चुअली गिवन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स कुछ ऐसे अवार्ड्स भी थे जो कभी भी नहीं मिले लाइफ में लाइक मोस्ट फिट एंड ग्लैमरस बिकॉज आई थॉट आई एम फार फ्रॉम बीइंग ग्लैमरस पर वो अवार्ड्स भी मुझे इस साल में मिले तो जितना ये साल स्लो एंड एजिटेटिंग या डिप्रेसिंग था इन बिट्स उतना ही ये रिवॉर्डिंग अवॉर्डिंग और टीचिंग भी था सो आई एम जस्ट ऑल इन ऑल वेरी वेरी ग्रेटफुल ऑफ 2020 एंड ऑल द पीपल हु थिंक दैट आई एम यू नो क्रेडिबल इनफ टू गेट दीज अवार्ड्स आपका शो फिर से जब शो कई सारे बंद हुए लेकिन आपका शो फिर से नंबर वन रहा क्या कहना चाहिए आपके फैंस आपको नंबर वन रखते हमेशा सो थैंक यू टू ऑल द फैंस हु वर वेटिंग फॉर कुंडली भाग्य टू गेट बैक ऑन टीवी और उसके बाद फिर से वो उसने इतने अच्छे से पिकअप किया वी वर वेरी स्केयर्ड ऐसा लगा था पता नहीं अभी क्या होगा शो की वापस से बिगनिंग है तो इट वॉज आर बेसिकली आर सेकेंड इनिंग एंड वी मैनेज टू गेट द सेम काइंड ऑफ अटेंशन आई थिंक इट्स कमेंडेबल द fans and followers of Kundli Bhagya you are just so amazing thank you mujhe lagta hai ki tum specifically tum mere kuch bahut hi zyada ardent follower ho you don't miss anything that's about me on the internet how cool is that because the Rishte Award mein ek chota segment hai where they have do not touch your nose when you're outside because you don't know where you've touched what other things you've touched so sorry for that the Rishte Award mein ek chota section tha which was dedicated to Sushant and reminiscing him and Ankita was hosting it and performing it and it just got a little too heavy in that moment to take okay naye saal ke liye kuch shubhkamnaye christmas aa raha hai bahut sari shubhkamnaye you know we shouldn't forget that even though this year has been fine for us we have survived it there are some people who had you know who not had a great year or not as amazing or even there are some people who've lost their loved ones and they've had terrible tragic things in the family because of COVID or because of things related to COVID or just generally yeah I mean my heart goes out to anyone who's suffered because of it their families and everyone related to them and now I just want to say that 2021 is here and a lot of hope comes with the new year and let's just get into the new year with a lot of dreams and hopes and safety as our priority and do not be afraid life is full of ups and downs and there was a slight down now there will be up so so well although I'm in blue I am far from feeling blue right now I'm actually feeling quite pink this I am not styled by anyone I styled myself today I quickly wore whatever was the first thing in my wardrobe So I just wore that. You can see I'm minimal jewelry because there was no one at the last moment to style me for jewelry and everything. So it's all mine. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thanks. Ma'am, visual दे दीजिए ना. I'm sweating. Thank you.
Thank you, ma'am.